हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, उपसमन्वय संख्या कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इस क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक से कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसमन्वय संख्या, समन्वय संख्या को सीखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त फ्रेंड्स में जल्दी से फटाफट शेयर करें। प्रीवियस क्लास और वीडियो नहीं देखे तो लाइव सेशन में जाके वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसमन्वय संख्या, समन्वय संख्या का शॉर्टकट ट्रिक वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ध्यान देंगे, जैसे मान ली हमने एक क्वेश्चन लिखा के फोर एफ सी एन सिक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखा है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको पता करना है कि कैसे आपको ऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करेंगे, कैसे आप ऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है तरीका, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर जो फेरस है, ये फेरस क्या है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है एक होती है, तो एक इंटू चार हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, एक इंटू चार, और यहां पर फेरस, फेरस का क्या हुआ, एक्स, साइनाइड का क्या, माइनस वन इंटू सिक्स बराबर जीरो। साथ साथ में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में सिखाएंगे और ऑक्सीडेशन में सिखाएंगे। तो हम ऑक्सीडेशन में पहले पता कर लेते हैं, तो 1 into 4 क्या रहेगा, 4, ये रहेगा x minus is equal to 0, ये रहेगा x, 6 minus 4, x बराबर क्या गया, plus 2, ये है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मान ली कहीं के आपको साथ में पूछा था कि ऑक्सीडेशन में बताइए कोऑर्डिनेशन में, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऐसा निकालना है, अलग अलग एलिमेंटो की क्या करना है, वैलेंसी लिख देना है, जो सेंट्रल मेटल है उसको एक्स मान लेना है और बाकी सबके चार्ज याद रखना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम है, फेरस है, ये तो साइनाइड रेडिकल है, माइनस है, निगेटिव लिगेंड है, तो इसका आपको वैलेंसी क्या होती है, इसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीएल के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है। ये क्या हुआ, एक ऑक्सीडेशन नंबर निकला, हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं सीएल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, फेरस, यहां पर सेंट्रल मेटम के जस्ट बगल में जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है यही लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंड क्या है, सीएल है, साइनो है, तो ये कितना है, सीएल कितना है, 6, तो यहाँ पर मैंने लिखा 6 इनटू डेंटिसिटी, यानी कि सीएल जो है, साइनाइड जो है, ये किस प्रकार का लिगेंड है, ये तो नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है तो कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो सीएल जो है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जितना पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अगर कोई लिगेंड, तो उसकी डेंसिटी उतना होती है, यानी कि 1 पेयर का मतलब 1 हो जाएगा, 2 पेयर का मतलब 2 हो जाएगा, 3 पेयर का मतलब 3 हो जाएगा। तो जो आपका क्या है, जो आपका सीएल है उसकी डेंसिटी क्या है, 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1, तो 6 into 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ, 6 हुआ, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ, 6 हुआ। दूसरा हमने कंपाउंड लिया PT NH3 4 CL, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमने लिया PT NH3 का 4 ले लिया और CL लिया। अब आपको पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में इसका क्या होगा, ध्यान देंगे। फिर वही करेंगे, ऑक्सीडेशन में पहले निकाल लेते हैं, तब आपको कोऑर्डिनेशन बताएंगे। ऑक्सीडेशन में पहले आप, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन में भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में,
कोऑर्डिनेशन में पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन पहले हम इसको निकाल लेते हैं, प्लैटिनम का मैंने माना एक्स, प्लैटिनम को मैंने माना एक्स। NH3 क्या है? NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, जीरो इंटू फोर प्लस। और कोलिन क्या है? कोलिन निगेटिव होता है तो माइनस वन इस पर होता है, बराबर क्या देगा, जीरो। जीरो क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का रूल होता है कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के सम कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। हमने लिखा जीरो, ये हो गया एक्स प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो गया प्लस वन, यानी कि इस कंपाउंड में प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हुआ, प्लस वन। लेकिन हमको क्या पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फॉर्मूला यही होगा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना, तो पीटी के बगल में देखिए यहाँ पर NH3 मतलब हो गया फोर, लिगेंड इसका फोर है। और इसकी डेंसिटी क्या है, NH3 की भी डेंसिटी वन होती है, नहीं पता है याद कर लीजिए, ये हो जाएगा वन। प्लस कोलिन भी है, कोलिन अकेला है, ये भी लिगेंड के रूप में काम करेगा चूंकि कॉम्प्लेक्स एरिया के अंदर है, तो ये भी हो जाएगा वन। फोर इंटू वन फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, फाइव। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फाइव हो गया है। कहा पीटी NH3 टेट्रा, यानी कि NH3 फोर सीएल में आपका इसका हो जाएगा फाइव, क्या हो जाएगा फाइव। क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, Na3AgCN6। चूंकि देखिए कभी भी अगर आपको निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेंटर क्या जाता है, ठीक है, किसी को पूछता है, सेंट्रल मेटल का ही पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए भी पूछेगा तो सेंट्रल मेटल का ही जानेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई पूछ रहा है तो समझिए आपको एजी का पूछ रहा है, अगर यहाँ पूछे तो फेरस का पूछ रहा है, कंपाउंड पूछे तो प्लेटिनम का पूछ रहा है, मतलब जिस कंपाउंड में हो वहां पर सेंट्रल मेटल का अराउंड में ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या पता करें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता कर दें, ऑक्सीडेशन नंबर कोई जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ, चूंकि आप अलग प्रकार अलग से वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन में सिखाया जा सकता है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों एक ही में कर लिया कि ऑक्सीडेशन में भी सेंट्रल मेटल पूछा जाता है और कोऑर्डिनेशन में पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में पता कर रहे हैं, बाद में कोऑर्डिनेशन में पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम, सोडियम की वैलेंसी वन होती है, तो वन इंटू थ्री मैंने कर दिया। सेंट्रल मेटल यहाँ सिल्वर है, ये हो गया एक्स, और साइनाइड की वैलेंसी माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस तीन आ जाएगा। हल करने पर एक्स बराबर क्या है, तीन का तीन छम से के तीन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में प्लस थ्री हुआ। लेकिन हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला एक ही है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना भाई, CN के बगल में कितना है, 6 जुड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो जाएगा। डेंसिटी अभी मैंने बताया कि CN जो है, साइनाइड जो है, साइनो जो है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, मोनो, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये हो जाएगा 1, जहां पर मोनो वहां पर 1, इसका भी कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। चलिए
दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं फोर नंबर में CuH2O4Cl2X। इस कंपाउंड में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पता करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉपर का मानते हैं X, कॉपर यहाँ पर क्या है सेंट्रल मेटल है तो हमने माना X, H2O, H2O न्यूट्रल कंपाउंड है, यहाँ पर कोई इसकी वैलेंसी नहीं होती है, तो H2O का चार्ज क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा जीरो इंटू नीचे लिखा है फोर, कोलिन की वैलेंसी माइनस वन होती है तो माइनस वन इंटू नीचे लगा है टू ई ऊपर दिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टोटल कंपाउंड ऊपर कोई यहाँ पर चार्ज रहता तो चार्ज यहाँ पर लिखा था लेकिन कोई चार्ज ही नहीं है तो जीरो लिखाएगा। ये हो गया एक्स प्लस फोर जीरो, जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस टू। ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देंगे ऑक्सीकरण संख्या आपसे सवाल पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, लेकिन हमको क्या पता करना है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला हमने क्या बताया, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड इसके बगल में ए लिगेंड है, H2O लिगेंड है, लिगेंड कितना है चार, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, H2O का भी डेंसिटी वन ही होता है, H2O का भी डेंसिटी वन ही होता है, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड दो इंटू डेंसिटी, कोलिन की भी डेंसिटी वन ही होती है, हो गया चार प्लस दो इसका भी हो जाएगा छ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया छ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया दो हो गया। PTEN twice SO4, PTEN twice SO4, P2, PT, P2, PT, चलिए अब हम क्या करेंगे PTEN twice SO4 में प्लैटिनम, PT प्लैटिनम, प्लैटिनम का क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, ऑक्सीकरण संख्या पता करना है, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना होता है उसको हम मानते हैं X, तो प्लैटिनम का हमने माना X, EN, EN एक लिगेंड है, EN क्या है लिगेंड है, और किस तरह का लिगेंड है तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग यहाँ पर ईएन को हम पढ़ते हैं इथिलीन डाइएमीन, क्या पढ़ते हैं जी ईएन को पढ़ते हैं इथिलीन डाइएमीन, ये क्या है डाई लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, और ईएन न्यूट्रल कंपाउंड है जीरो हो गया, वैलेंसी टू, सल्फेट की वैलेंसी माइनस टू होती है तो माइनस टू लिखा बराबर लिखा जीरो, एक्स बराबर क्या आएगा प्लस टू, ये प्लस टू क्या है ये है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर किसका प्लैटिनम का, हमको क्या पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होता है सीएन, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना नंबर ऑफ लिगेंड ईएन के बगल में दो है तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना तो मैंने बताया कि इथिलीन डाइएमीन जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेट का क्या होता है दो प्लस, सल्फेट अकेला है तो नंबर ऑफ लिगेंड एक, और इसकी डेंसिटी भी दो होती है तो दो दुना चार प्लस टू ये भी हो जाएगा छ। ज्यादा करके डेंसिटी में ज्यादा करके कोऑर्डिनेशन नंबर छ ही आता है, ज्यादा करके कोऑर्डिनेशन नंबर छ ही आता है ठीक है। NH3CH2OCLSO4 ठीक है, ऐसे कंपाउंड लिख दिया
और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन बताइए, कॉपर का ओक्सीडेशन बताइए, ठीक है। हमने माना क्या x, हमने क्या माना x, ये हो जाएगा x, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल के लिए लगा 0 इंटू 4, H2O न्यूट्रल है 0, क्लोरीन माइनस 1, सल्फेट की वैलेंसी माइनस 2 इक्वल टू 0, कुल मिलाकर x बराबर माइनस माइनस 3, x बराबर क्या देगा प्लस 3, x बराबर प्लस 3 क्या है, ये आपका हो गया कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पता करना हमको, कोऑर्डिनेशन में पता करना है कॉपर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कॉपर के बगल में देखिए 4 है, इसकी डेंसिटी 1 है प्लस इसकी डेंसिटी 1 है इनटू 1 है, इसकी भी डेंसिटी 1 इनटू 1 है, बाहर जो लिखा रहता है ना ब्रैकेट के बाहर जो लिखा रहता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंटिंग नहीं किया जाता है। ये चार 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 कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कितना आ जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन कितना आ जाएगा 6, यानी इस तरह से अगर आपको क्या, अगर आपको वैलेंसी याद हो लिगेंड का, लिगेंडों का क्या याद हो, इस तरह से लिगेंडों का अगर आपको अथी याद हो, क्या अथी याद हो, चार्ज याद हो, तो आप पता कर सकते हैं किसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, ठीक है, पता कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। सेकंड नंबर, ये कंपाउंड बड़ा ट्रेंडिंग होता है NiCO4, NiCO4 ये जो कंपाउंड है ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और बार बार इसका ऑक्सीडेशन पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, कहीं भी पूछ जाता है। NiCO4 ये NiCO ये आपको कोबाल्ट नहीं है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, क्या पढ़ते हैं CO को, यहाँ पर कोबाल्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कार्बोनिल पढ़ते हैं। तो निकिल का अगर ऑक्सीडेशन पता करना है तो ये हो जाएगा X, और कार्बोनिल, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज होता है, क्या होता है जीरो चार्ज, तो जीरो इंटू फोर बराबर क्या आ जाएगा जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा जीरो, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड 4, डेंसिटी इसकी 1, नंबर ऑफ लिगेंड 1 4, डेंसिटी कितना 1, CO जो है कार्बोनिल जो है ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड होता है, इसकी डेंसिटी 1 होती है, तो जहां जहां जिसकी जिसकी डेंसिटी आपको नहीं याद है याद कर लीजिए, हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं मोनोडेंडेट लिगेंड, मोनो डेंटेट लिगेंड, वैसे लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी क्या है 1 है, वैसे लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी 1 है यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं, साइनाइड होता है, कोलीन होता है, ब्रोमीन होता है, फोलीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड होता है, NH3 होता है, H2O होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है जिसकी डेंसिटी क्या होती है 1 होती है, CnClOH NH3 H2O, ठीक है, ये वैसे लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 1 होती है, सबका डेंसिटी यानी सबके ऊपर चार्ज होता है, ये इसके ऊपर बस माइनस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो होता है, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कार्बोनिल, कार्बोनिल के ऊपर भी जीरो चार्ज होता है लेकिन डेंसिटी क्या होती है 1 होती है, ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है इसकी डेंसिटी याद रखेंगे, ये सबकी डेंसिटी 1 होती है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, और यही चीज हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जैसे सीएल है तो सीएल का डेंसिटी क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 ये पुट कर रहा है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड आप याद कर लेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड को याद रख लेंगे कि डेंसिटी कब कैसे क्या होती है। चलिए ठीक है, कुछ हम बाइडेंटेट लिगेंड भी लिख देते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड का भी नाम कुछ लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डेंटिसिटी हम कैसे निकालते हैं,
तो बाइडेंटेट लिगेंड का भी नाम लिख देते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड जिसको हम लोग कहते हैं द्विदंती, बाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड जिसको हम लोग कहते हैं द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड ठीक है। द्विदंती लिगेंड में क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे, होता है कार्बोनेट सल्फेट इथिलीन डाइएमीन ऑक्सलेट और इथिलीन डाइएमीन ठीक है, ईएन ईएन इथिलीन डाइएमीन, इसके ऊपर माइनस दो चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस दो चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस दो चार्ज होता है, इसके ऊपर भी माइनस दो चार्ज नहीं, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है ठीक है, ये याद रखे रहेंगे। और सबकी डेंसिटी क्या होती है, ये चार्ज से मतलब नहीं है, ये चार्ज इसकी तो वैलेंसी क्या इंडिकेट करता है, इसकी डेंसिटी इधर है, इसकी डेंसिटी दो, सबकी डेंसिटी दो होती है, ये चार्ज से डेंसिटी निकालता है, चार्ज अलग है डेंसिटी अलग है, तो ये ऐसे लिगेंड है जिसकी डेंसिटी क्या है दो है, जब भी कार्बन आएगा, जब भी आपको सल्फेट आएगा, जब भी ऑक्सीजेट आएगा, सी टू पर ऑक्सीजेट पड़ते हैं, ईयर को इथिलीन डाइएमीन पड़ते हैं, जब भी आएगा डेंसिटी आपको दो यूज करना है। कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे EDTA, EDTA एक ऐसा लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 6 होती है, EDTA एक ऐसा लिगेंड है जिसकी डेंसिटी क्या होती है 6 होती है। आपको इसमें और भी बहुत सारे लिगेंड होते हैं, कहीं कहीं ग्लाइसिन 2 आता है, GLYC आता है ठीक है, वो भी आपको याद रखने होंगे, GLY, EL, पिरिडीन, PY, ये सब लिगेंड है, इसका नाम आप याद रखे रहेंगे और चार्ज भी याद रखेंगे। EDTA तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, बिठा दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ये सब लिगेंड का डेंटिसिटी याद रखना पड़ेगा, मोनोडेंटेट कौन है, बाइडेंटेट कौन है, टेट्राडेंटेट कौन है, हेक्साडेंटेट कौन है, अगर ये आपको पता है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर आसान से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कि सेंट्रल एटम के अराउंड में जुड़े हुए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ग्रुप्स, वही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, किसी एक स्पेशल एटम के अराउंड में, यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल के अराउंड में जो एटम्स है, जो ग्रुप्स है, जो लिगेंड है, उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समझ में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।